हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। इससे पहले 5 पार्ट हो चुके हैं जिसमें हमने बाकी के जो क्वेश्चंस थे 20-20 क्वेश्चंस, यानी कि 5 पार्ट में करीब 100 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि 18 सितंबर 2020 को उद्घाटित कोसी रेल महासेतु, जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है, ये सुपौल के किन दो स्थानों को जोड़ती है? ठीक है, तो सुपौल जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कोसी रेल महासेतु बनाया गया है, यानी कि कोसी रिवर पर एक रेल महासेतु है, रेल पुल है, जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। तो बताना यह है कि यह सुपौल के किन दो जगहों को जोड़ती है। तो 3 ऑप्शन है यहाँ पर, सरायगढ़, निर्मली, वसंत चौक एंड डी इज बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सरायगढ़ और निर्मली, ये दो जगह है सुपौल में जिनको ये कोसी रेल सेतु जोड़ती है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही हो जाएगा, जिसमें बोध ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो क्वेश्चंस आएंगे या तो हो सकता है पूछे कि कोसी रेल महासेतु कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, उस हिसाब से आप सुपौल लगाएंगे, या फिर अगर पूछे कि इस रेल महासेतु की लंबाई कितनी है तो 1.9 किलोमीटर है। तो इस तरीके से 3 तरीके से आपको यहां पर क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1 अगस्त 2020 को बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के प्रबंधन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया था? ठीक है, कोरोना के मैनेजमेंट के लिए, कोरोना के बारे में जानकारी देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, उस ऐप का आपको नाम बताना है। ऑप्शन संजीवन, संजीवनी, कोविड रक्षा एंड बिहार सूत्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है संजीवन। ध्यान रखिएगा यहाँ एक संजीवनी भी है, लेकिन यहाँ पर आई लगा हुआ है, ये नहीं होगा, केवल संजीवन होगा। ये ऐप कोविड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होंगे उनको देने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में बिहार स्थित किस पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है? ठीक है, अगेन रामसर साइट, रामसर साइट में कौन से वेटलैंड्स ऐड किए जाते हैं? वेटलैंड मतलब आद्र भूमि। ठीक है, तो इसके तहत जो ऐड किए जाते हैं वेटलैंड, उनके कंजर्वेशन के लिए आपको एफर्ट किए जाते हैं। मेनली ऐसा नहीं है कि इसमें ऐड हो जाएगा तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होता है उस वेटलैंड का, या कोई स्पेशल रूल्स बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इस रामसर साइट में ऐड करने से ये हो जाता है कि जिस पर्टिकुलर लेक को या फिर कोई भी वेटलैंड या फिर आद्र भूमि हो उसको ऐड करने से ये हो जाता है कि उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि रामसर साइट में वही वेटलैंड ऐड किए जाते हैं जो क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट हो हमारे इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, बाकी उसका कंजर्वेशन कैसे करना है ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कन्वर लेक, गोगा बिल, घोरा कटोरा एंड हराही लेक। इसमें गोगा बिल ये आपको आसाम में पड़ेगा, ये बिहार में नहीं है, लेकिन बाकी के जो तीनों हैं वो बिहार में है, कंवर लेक, घोरा कटोरा और हराही लेक। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंवर लेक। अब आपको इसका एक बताना है, कमेंट में बताना है कि ये जो तीनों लेक हैं, कांवर लेक, घोरा कटोरा और हराही लेक, ये बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हराही को उतना नाम नहीं है, लेकिन कांवर लेक और घोरा कटोरा का काफ़ी नाम है। घोरा कटोरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पार्ट 5 में भी देखा हुआ था, जहाँ बौद्ध स्टैचू या प्रतिमा की बात हुई थी। तो आप बताइएगा कि ये तीनों जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिहार के किस शहर में बिहार का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर स्थापित किया जाएगा? ठीक है, मेगा स्क्रीन मतलब बहुत बड़ा स्क्रीन होगा, साइज काफी बड़ा होगा। ओपन थिएटर का मतलब ये होगा, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में, खास करके जो फॉरेन सिटीज होती हैं, वहां पर डिस्प्ले लगे होते हैं बाहर ही। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर एक ओपन थिएटर बनाया जाएगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, तो ये आपको बनाया जाएगा पटना शहर में। नेक्स्ट, प्लास्टिक बोतल से वस्त्र तैयार करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो बायोक्रेस प्राइवेट लिमिटेड, बिरला, कल्पतरु एंड शुभम लॉजिस्टिक। बिरला का नाम आप जानते हैं, बिरला कई सारे काम करती है, सीमेंट में भी है, आपको टेक्सटाइल्स में भी है, ये इनके सारे बहुत सारे काम है। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है जो मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तो शुभम लॉजिस्टिक वो होता है। कल्पतरु लिमिटेड जो है ये पावर कंपनी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो बनाती है या डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ये वो काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा बायोक्रेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके साथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि पूर्व मध्य रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि प्लास्टिक बोतल से वस्त्र तैयार किया जाएगा।
अगेन यहाँ पर भी आपको एक तरीके से रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि बायोक्रस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीमेंट किया है कि बोतल प्लास्टिक बोतल से वस्त्र को तैयार किया जाएगा, तो रिवर्स क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना, पहला राज्य ऐसा स्टेट जिसने पहली बार ग्रीन बजट, ठीक है, यानी कि हरित बजट भी कह सकते हैं, पेश किया हुआ है। ऑप्शन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। सही ऑप्शन बिहार होगा, बिहार पहला स्टेट इंडिया का जिसने ग्रीन बजट को पेश किया हुआ है। बिहार वेटलैंड अथॉरिटी जिसके प्रथम बैठक 28 अक्टूबर 2020 को की गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो बिहार वेटलैंड अथॉरिटी, अगेन वेटलैंड यानी कि जो आर्द्र भूमि होती है, तो मेनली इसमें जो आर्द्र भूमि होती है या वेटलैंड होती है उनको लिस्ट में ऐड किया जाता है कि किन के लिए कंजर्वेशन के एफर्ट करने हैं और क्या क्या कंजर्वेशन के एफर्ट किए जा सकते हैं, ये तैयार करना इस अथॉरिटी का काम होता है। ठीक है, तो इस बिहार वेटलैंड अथॉरिटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था इस बैठक में? ऑप्शंस सुशील मोदी, नीतीश कुमार, प्रेम कुमार और राम नारायण। ये सभी लोग बिहार कैबिनेट के मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, पहले, अभी नहीं, इस समय नहीं, इससे पहले वाली जो सरकार थी यानी कि 16th विधानसभा की जो सरकार थी बिहार की, अभी इलेक्शन हो गए तो बदल गए, इससे पहले वाले उनमें ये चारों जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। खैर, नीतीश कुमार तो चीफ मिनिस्टर भी थे और ये उप मुख्यमंत्री थे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सुशील मोदी, इनको अध्यक्ष या चेयरमैन बनाया गया था इस बिहार वेटलैंड अथॉरिटी का। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में बिहार विधानसभा मंडल भवन का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया, यानी कि यहाँ पर बिहार विधानसभा जो भवन है इसके 100 साल पूरे हो गए बने हुए, तो आप देखेंगे इस हिसाब से जो ऑप्शन सी था ये सही हो जाएगा, 100वां वर्षगांठ मनाया गया, यानी कि बिहार विधानसभा भवन के बने हुए 100 साल पूरे हो गए हैं। बिहार का पहला मॉडल रूरल रिसर्च यूनिट, मॉडल रूरल रिसर्च यूनिट ये कहाँ खोलने को मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस पटना, नालंदा, गया एंड मुजफ्फरपुर। जो इसका आंसर होगा वो सही आंसर होगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च खोलने की परमिशन दी गई है। तो मेनली यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च वगैरह होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर किया जाएगा। बिहार के कृषि वैज्ञानिकों में कम पानी में अधिक धान उत्पादित करने वाले धान की दो नई किस्मों को विकसित किया गया है, उन दो नई किस्मों का नाम क्या है? तो धान मतलब पैडी यानी कि जिससे चावल निकलता है, ठीक है, तो इस पैडी के प्रोडक्शन के लिए, धान के प्रोडक्शन के लिए दो नई किस्मों का विकास किया गया है, तो ये जो दो नई किस्में हैं इनका नाम बताना है आपको, स्वर्ण शक्ति एंड स्वर्ण समृद्धि, इसका नाम आपने सुना होगा, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण समृद्धि, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो होगा बोध ए एन सी ये सही होगा। नेक्स्ट, वह संस्थान जो ऑस्ट्रेलिया के CSIRO के सहयोग से 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेकुलर इकोनॉमिक हैकथन का आयोजन किया गया है, ठीक है, तो हैकथन का मतलब ये हो गया कि मेनली यहाँ पर इनोवेशन से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होंगे वो दिखाए जाएंगे, ठीक है, इनोवेशन से रिलेटेड सेकुलर इकोनॉमी हैकथन यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, किसके द्वारा? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी कि आपको ये जो हमारे लघु उद्योग होते हैं उनकी मिनिस्ट्री हो गई, और ये CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR उसको हम कहते हैं। तो इसमें बताने के इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसने ऑर्गेनाइज किया था ये सेकुलर इकोनॉमिक हैकाथन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अटल इनोवेशन मिशन, और आपको पता है कि AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन ये भी इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी, और अटल इनोवेशन के मिशन के अंदर भी बहुत सारे सब मिशंस हैं यानी कि छोटे छोटे और स्कीम्स इसके अंदर में बनाई गई हैं, तो मेनली उनका उद्देश्य यही है कि जो नवाचार है या इनोवेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय ने, ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर किन दो स्टेट्स में जनजातीय कल्याण के लिए दो उत्कृष्ट केंद्रों का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा, जो सेंट्रल ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ मिलकर जनजातीय कल्याण के लिए यानी कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए किन स्टेट्स में दो उत्कृष्ट केंद्रों का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है?
तो ये जो सही ऑप्शंस होंगे ये होंगे झारखंड और महाराष्ट्र। तो इस वजह से जो ऑप्शन डी होगा बोध ए एंड बी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 26 अक्टूबर 2020 को आयोजित किए गए चौथे, ठीक है, फोर्थ भारतीय एनर्जी फोरम सेरा होट का विषय क्या था? ठीक है, ऑप्शंस इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन चेंजिंग वर्ल्ड, एनर्जी इफिशियंसी, सेफ एनर्जी, सेफ फ्यूचर एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, एनर्जी इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि किस तरीके से हम एनर्जी को कम कर सकते हैं। सेफ एनर्जी एंड सेफ फ्यूचर का मतलब एनर्जी को सेफ कीजिए, बचा के रखिए, फ्यूचर आपका बचेगा। और इस परिवर्तित वर्ल्ड में, यानी कि बदलती हुई दुनिया में, भारत का जो ऊर्जा भविष्य होगा वो कैसा होगा, ये एक थीम रखा गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कि इस बदलती दुनिया में भारत का जो एनर्जी यानी कि ऊर्जा भविष्य है वो क्या होगा, ये इस थीम था इस चौथे भारत एनर्जी फोरम सेराउट का। केंद्रीय शिपिंग मंत्री राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कृषि में किस शहर में स्थित चिदंबरनार बंदरगाह न्यास में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो इनको आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इन्होंने डायरेक्ट एंट्री पोर्ट फैसिलिटी का इनोग्रेशन किया है, को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थूथुकुड़ी। थूथुकुड़ी ये एक पोर्ट है तमिलनाडु में। ठीक है, थूथुकुड़ी एक पोर्ट है तमिलनाडु में, जिसका सही आंसर होगा। विशाखापट्टनम का नाम आपने सुना होगा, ये भी एक पोर्ट है। मैंगलोर पोर्ट ये भी आपने सुना होगा। जेलन भी सुना होगा, जेलन का फुल फॉर्म जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि एक सब्सिडरी पोर्ट की तरह काम करता है, जो हमारा मुंबई पोर्ट है उसके सब्सिडरी पोर्ट की तरह ये काम करता है। और पास में यहाँ पर आपको नया सवाया पोर्ट भी मिलेगा। मेन ये सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करते हैं। किस कवि यानी कि कौन से कवि जिन्हें अपने सेतु बेला कु नथिबी नामक कविता संग्रह के लिए प्रतिष्ठित 41वां यानी कि 41st सरला पुरस्कार से नवाजा गया या इनको प्राप्त हुआ? ऑप्शन वशिष्ठ नारायण, बिहार के काफी जाने माने व्यक्ति, ठीक है, रुचि शर्मा, बीना देवी और बिहार गवर्नमेंट। बिहार के लिखने का मतलब बिहार गवर्नमेंट किसको दिया गया। तो यहाँ जो सही आंसर होगा ये आपको बताना है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो गया नित्यानंद नायक, ये सही आंसर होगा। ठीक है, नित्यानंद नायक इसका सही आंसर होगा, इन चारों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, राज्य सरकार जिसने राज्य की कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए लैब टू फील्ड कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? ठीक है, यानी कि जो चीजें होंगी, क्रॉप्स होंगी, सीड्स होंगी या फिर जो सॉइल होंगी, उनका लैब में टेस्टिंग और अगेन उनका यूज किया जाएगा, फील्ड में किया जाएगा, तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, ये चारों के चारों एग्रीकल्चर रिच स्टेट्स हैं जहां पर कृषि अच्छी खासी की जाती है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वेस्ट बंगाल, जहां पर लैब टू फील्ड कृषि में सुधार के लिए यहां पर स्टार्ट किया गया है। वर्ष 2020 के विश्व दृश्य श्रव्य, दृश्य मतलब जो देखते हैं यानी कि वीडियोस, श्रव्य मतलब ऑडियोज, विरासत दिवस 27 अक्टूबर को मनाया गया, उसका विषय क्या था? ऑप्शन यूवर विंडो टू द वर्ल्ड, इनोवेशन फॉर यू, डिजिटल वर्ल्ड एंड नन ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूवर विंडो टू द वर्ल्ड। थीम्स वगैरह पूछे जाते हैं, बस आपको एक दो बार पढ़ लेने पे ये याद रहेंगे, उसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। आठवें फिक्की गुणवत्ता प्रणाली उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार का विजेता कौन है? ठीक है, तो फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया है जिसको हम फिक्की के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने गुणवत्ता प्रणाली उत्कृष्टता पुरस्कार यानी कि जो भी सर्विसेज होती हैं, गुड्स होती हैं, उनकी क्वालिटीज बेहतर हो, तो इस मामले में राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार किसको दिया गया? AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, डिजिटेक ऐप, वैक 12D एंड इनमार्ट सिस्टम। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा
इनमार्ट सिस्टम, इसी ऑर्गेनाइजेशन को आपको गुणवत्ता प्रणाली उत्कृष्टता पुरस्कार फिक्की के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू 31 अक्टूबर एंड 2 अक्टूबर के दौरान किस शहर में आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, मेनली जो हमारे इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पर होते हैं, खास करके अरुणाचल प्रदेश से लेके आप देखिएगा फिर उत्तराखंड और आपको हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का एरिया, यहाँ पर आईटीबीपी होते हैं, के द्वारा 200 किलोमीटर लंबे फिट इंडिया हैकाथन को हरी झंडी दिखाई गई, यानी कि शुरुआत किया गया किस शहर में, ठीक है। तो ऑप्शंस है जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर एंड जम्मू। इसका जो सही आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर में किसी किरण रिजिजू ने आईटीबीपी द्वारा आयोजित 200 किलोमीटर लंबे फिट इंडिया हैकाथन को हरी झंडी दिखाई या फिर उसका इनॉग्रेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 20 क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के पूर्व निदेशक तथा नेशनल एग्रो फाउंडेशन के संस्थापक न्यासी, न्यासी का मतलब ट्रस्टी, ठीक है, का निधन 25 अक्टूबर 2020 को हो गया। तो वे कौन से व्यक्ति थे जो एडीबी के पूर्व निदेशक भी रह चुके थे और जो नेशनल एग्रो फाउंडेशन के संस्थापक ट्रस्टी भी थे, यानी कि उसके फाउंडेशन में भी इन्होंने योगदान दिया था। तो ऑप्शंस आपको मिलेंगे केवी कामत, के एस सुब्रमण्यम, एस के सुब्रमण्यम एंड शशिकांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा के एस सुब्रमण्यम। ये वो व्यक्ति थे जो एडीबी के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं और एग्रो फाउंडेशन के संस्थापक भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चंस को देखा। ये हमारा कौन सा, ये हमारा 6th सेट था। अगेन पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का या फिर चैनल का आपको मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जाके इसको ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।